तो आज अपने पास एक न्यू पार्सल आया है और ये मैंने मैसो से ऑर्डर किया था। आप देख सकते हो ये इसकी पैकेजिंग है, ये आईडी वगैरह है इसकी, ठीक है। ये मैसो से ऑर्डर किया था, कुछ इस प्रकार से आया है। अब इसे मैं ओपन करने वाला हूँ। यहाँ से इसको करते हैं ओपन, ठीक है। पैकेजिंग वगैरह ठीक लग रही है भाई, अमेजोन के मुकाबले बात करूँ तो भी अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि अमेजोन वाले भी कुछ इस तरह पार्सल देते हैं। इसमें बिल वगैरह कुछ नहीं आया है, जो अब फ्रंट में दे रखा था वही था बिल। पीछे अपने स्पीकर को ठीक कर देते हैं और इसको भी जो है हम ओपन कर लेते हैं। पैकेजिंग सच में अच्छी लग रही है, अमेजोन कितनी अच्छी नहीं आई थी। और जो अपने को कार का कलर मिला है वो मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि अभी तक मेरे पास जो सिल्वर कलर की कोई कार नहीं थी, तो सिल्वर कलर की कार भी हो चुकी है। बाकी अगर की जाए तो ये व्हील फोर्स से आया है, फॉर्चूनर का स्केल मॉडल है और आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। और पीछे से कुछ इस तरह की ब्रांडिंग है, चार कलर इसमें देखने को मिलता है, ब्लैक, सिल्वर, रेड एंड वाइट। अपने पास आया है जो सिल्वर कलर है, और यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी ये कार देखने को मिलती है, इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए वाव यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी, ये तो इसको इस तरह ओपन करना होगा मेरे हिसाब से, कुछ मैंने गलत फाड़ दिया। वाव पूरे ही ओपन हो गए भाई। ओ वाह, अपनी फॉर्चूनर बाहर आ चुकी है। वाह, दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है अपनी फॉर्चूनर। सच में बताऊँ सिल्वर कलर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके ऊपर, और क्या लुक आ रही है, बहुत अच्छी लुक है। टोयोटा की एक और हमारे पास इनोवा है, इनोवा भी देख सकते हो। साइड बाय साइड आपको मैं दोनों बता देता हूँ, देख सकते हो आप। साइज में अगर देखा जाए तो हल्की सी है बड़ी, हल्की सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये भी पुराना मॉडल है, ये भी पुराना मॉडल है, तो इसको साइड में पीछे देख सकते हो। ये रोल्स रॉयस, और इसकी फिनिश बहुत शानदार है, इस प्राइस भी बहुत शानदार है। इसकी जो प्राइस है वो पड़ी है 290 रुपये, ये मुझे पड़ी थी 350 में, और ये 1050 रुपये में। तीनों के अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ले सकते हो। बाय करने का लिंक भी मिलेगा, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अपनी फॉर्चूनर के अच्छी लग रही है भाई, शानदार लुक आ रहा है, बहुत ही अच्छी है। व्हील्स वगैरह भी देख सकते हो, बहुत प्यारे दे रखे हैं, बहुत प्यारे। नीचे से देख सकते हो, नीचे से सबके ये सेम ही होता है। पीछे वाला लुक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग कर रखी है, और ये पोर्शन पूरा ब्लैक आउट कर रखा है, ये भी अच्छा है। अंदर से आप देख सकते हो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें हुड पे, ये स्पॉइलर वगैरह बहुत ही अच्छा। देखो ये पुश बैक वाली आती है गाड़ियाँ सारी, जितनी भी ऐसी गाड़ी होती है ना, ये इसके मतलब सारे पुश बैक देखने मिलते हैं। बकाया था ये 1000 रुपये की, इसमें भी पुश बैक है, लेकिन इसमें खासी चीज़ क्या है, इसमें लाइट लगती है, ये शोर मचाती है, पीछे आपको लाइट दे रखी है, और एक फीचर और ये अलार्म भी बजता है इसमें। ये चीज़ है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिलती है भाई। इसको काफ़ी हैवी, ये फुल मेटल है, ये प्लास्टिक देखने मिलती है, बाकी काफ़ी अच्छी है ये भी। मुझे खासकर इसके जो बैक प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी लगी है, और फॉर्चूनर टर्बो, फोर व्हील ड्राइव, यहाँ पीछे एग्जॉस्ट पाइप वगैरह बहुत ही अच्छी डिटेलिंग दे रखी है। साइड वाइज बात की जाए तो इंडिकेटर वगैरह बहुत अच्छी है, आगे में भी फॉर्चूनर दे रखा है। इसकी जो लाइटिंग का सेटअप है वो भी बहुत छोटी छोटी, जैसे यहाँ प्रोजेक्टर आता है तो उसको भी मेंशन किया गया है। आप देख सकते हो प्रोजेक्टर वगैरह मेंशन किया गया है, बहुत ही जो ग्रिल है वो भी बहुत ही अच्छे से इसमें मेंशन है। खासकर मुझे टायर काफ़ी अच्छे लगे। इनोवा की बात करूँ, इनोवा में भी टायर है, जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी दे रखी थी, फॉर्चूनर में तो अच्छी है ही है। तो इस तरह से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। पीछे ये देख सको क्या फिनिश आ रही है, पीछे पूरा पूरा रूम दिख रहा है इसके अंदर। वाव, दोनों तरफ से वाव वाव फैक्टर की फील आ रही है। और अगर इनकी पुश बैक बैटल करा तो भाई इनोवा जीत रही है, क्या बात है भाई। एक बार और करा के देखते हैं, ठीक है। ओ वाव, फिर से इनोवा हो रही है, तो मतलब मानना पड़ेगा, अब देखते हैं। ओ वाव, अच्छी अच्छी इनोवा काफ़ी तगड़ी पड़ रही है, काफ़ी भारी पड़ रही है अपनी गाड़ी पर, काफ़ी अच्छी बात है। बाकी लुक्स भाई मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, ऊपर सनरूफ भी, दोनों में सनरूफ देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगा मुझे इसमें। सबसे बड़ी सनरूफ तो इसमें देखने को मिल रही है, और वो एकदम क्लासी लग रही है, बहुत ज़्यादा क्लासी।
तो ये रिव्यू था, अनबॉक्सिंग कह सकते हो आप इसे। कैसा लगा फर्स्ट इंस्पेक्शन? आगे और मस्त वीडियो आने वाला है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। पीछे लाइटिंग ऐसी लग रही है आपको? आप बैकग्राउंड में भी अब थोड़ा खर्चा कर रहे हैं भाई आपके लिए।